हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज का मेरा क्या प्लान था कि मैं आज अपने हेयर कटिंग करवा के आऊँगा। तो मैं सुबह सुबह उठा, मैंने देखा मिरर में, यार बाल तो सही लग रहे हैं, बड़े बड़े। फिर बाद में सोचता हूँ कि क्यों कटवाए, तो फिर सारा प्लान कैंसिल हो गया। मैं नहा लिया और अब ठीक लग रहा है, कटिंग करवाना कैंसिल। फिर बाद में सोचता हूँ कि यार वापस जुड़ जाते। बाय द वे, अब चलते हैं नीचे, माता की जोत को प्रणाम करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, हैप्पी नवरात्रि। जय माता रानी। ये जोत जल रही है हमारी 7 दिनों से। तो अपने यहाँ ब्रेकफास्ट चल रहा है, ब्रेड, और मम्मी जी यहाँ पे गेहूँ साफ कर रही है। फिर इनको धोओगे क्या? फिर ये जाएंगे पीसने के लिए। ओहो, और ये देख क्या देख रहा है, इसको भी दे देख बिस्किट, एक दे दे, अब भाग जाएगा देख ले। अभी मैं नीचे खड़ा था ना, मम्मी गेहूँ साफ कर रही है सब कुछ, तो अभी पता नहीं कोई सब्सक्राइबर आया, सीधा गेट खोल के सीधा अंदर। मैं खाना खा रहा हूँ एकदम से, मैंने कहा ये क्या सीन है। तो गाइस, इस तरह से मत किया करो यार, अब तो सीधा अंदर ही जाते हो, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बाहर से नॉक भी तो कर सकते हैं, सीधा अंदर ही घुसने की तुलना वैसे किसी घर में होता है। पीयूषी एंड साहिल, अब तुम जा सकते हो यहाँ से, बिकॉज मुझे बनाई है ड्राइंग। सिर्फ यहाँ पे रहेगा ओरियो। ड्राइंग ना मुझसे अकेले में ही हो पाती है, जब कोई रूम में होता है ना तब मुझे पता नहीं क्यों कंसंट्रेट नहीं हो पाता, अकेले में अच्छे से ड्राइंग करता हूँ, बस ओरियो होता है, ओरियो कुछ नहीं करता, ओरियो सोया सोया रहता है बस। तो अभी ड्राइंग कुछ इतनी कंप्लीट हुई है, साहिल मैंने इतना बनाया है और पीयूष स्टार्ट किया था, पीयूष इतना बना है। अभी तो इसमें भी बहुत काम बाकी है। बाय द वे, भी टाइम हो चुका है 1:39 दिन का, और पापा जी का कॉल आया कि लंच रेडी हो गया, तो चलो लंच करके आते हैं। बाय द वे, ओरियो सो रहा है यहाँ पे आराम से। ओरी चले चले नीचे। उठने के बाद पहले तो ये अंगड़ाइयां लेता है इस तरह से। चले चलो चलो, क्या बनाया, क्या है? खिचड़ी। आप क्या बना रहे हो? पापा जी बना रहे हैं मैंगो शेक। ये क्या देख लिया हमने पीयूष होमवर्क करते हुए? सिर्फ टाप रहा है इस कॉपी में से देख के बस, और कुछ नहीं कर रहा है। अरे पेन मुंह में मत ले, अरे उसको नाक में लगा रहा है, फिर मुंह में लेगा ना। अरे कान में भी डालने वाला है ना। पीयूष कैसी हो रही? मस्त हो रही ना? खाना खा लिया है, अब अपनी पार्किंग काम देख के आते हैं कितना काम हुआ है। तू कहाँ आ रहा है पीछे, जाके अपना होमवर्क कर ले। आज थर्ड डे है, देखते हैं कितना काम हुआ है। यहाँ पे भी इस दीवार को उठा दिया है, पूरा ऊपर तक कर दिया है। अच्छा नया गेट भी ले आए, तो ये वाला गेट लगेगा, अब ये काफी बड़ा है, पहले ये वाला था, इसको निकालेंगे। ये गेट कब लगेगा? कल लगाएंगे। अच्छा मतलब 2-3 दिन का काम बाकी है ना। हाँ, कल 3 दिन लगा देंगे। सही है, गाड़ी सीधा अंदर जाएगी। अभी खुला हो गया देख, हाँ हाँ पहले यहाँ था, खुला हो गया। प्लॉट में तो सही काम चल रहा है पार्किंग का, फिलहाल अभी आ गया हूँ मैं। मेरे साथ में रहना, नीचे नहीं रहना, ठीक है? खाना खा लिया वैसे इसने भी। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं, काम करते करते पता ही नहीं चला पूरा दिन कैसे निकल जाता है। बट जिस दिन काम ना करो ना, उस दिन फिर बोरिंग सा लगता है। आज तो ड्राइंग भी किया है, एडिटिंग भी किया है, बहुत कुछ किया है। होमवर्क कर लिया तूने अपना? हाँ। कम्प्लीट नहीं हुआ? कम्प्लीट पूरा थोड़ी होगा। चल चलते हैं पार्किंग देख के आते हैं। और ही चले पार्किंग देखने, इसको बांध दे, इसको ले चलेंगे। तो अब इसमें टोटल 3 गेट होंगे, एक गेट तो यहाँ पे मेन जहाँ से गाड़ी आएगी अंदर, एक गेट ये जो ऑलरेडी है पड़ा, एक गेट इधर, 1, 2, 3 गेट होंगे पूरे। और ये आंटी लेटी हुई है वहाँ पे, अभी भी उसको भेजा है घर पे पेडिग्री लाने के लिए, और ये आंटी को खिलाते हैं। और विनोद खा रही है क्या? खाती तो है वैसे, एक एक करके मत दे, डाल दे 7-8 डाल दे। ओरियो देख रहा है, उसको दे रहे हो, मेरे को नहीं दे रहे। ओरियो को दियो, ओरियो को दियो एक बार, सारे दे दे, कितने हैं दिखाइयो, डाल दे डाल दे, ओरियो के सामने डाल, ओरियो के सामने, ओरियो को चिढ़ा के देखो री। तो गाइस अभी हम बोर हो रहे हैं यहाँ पे बैठे हैं घर के बाहर में, सोच रहे हैं करें क्या, कहाँ जाएं, गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है, बट समझ में नहीं आ रहा जाए कहाँ, क्योंकि सब जगह जा चुके हैं हम हाँसी में, कहीं भीड़ भाड़ में जाना भी नहीं है। तो क्या किया जाए, ओरियो से पूछो, ओरी क्या करें? ये कह रहा है मेरे को घुमाने चलो पार्क में। मेरा पार्क में नहीं जा सकते यार, आज विनोद भी आएगा हमारे साथ में। पहले तो हम क्रिकेट खेल लेते थे गली में, बट अब 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, एक इधर दो उधर एक इधर, क्रिकेट तो खेल नहीं सकते। चलो ये सारे मास्क भी ले आया मैं, मास्क बोले। कौन कौन बैठा है? अच्छा आज तो विनोद भी आया हमारे साथ में, पीयूष का फ्रेंड अग्रिम भी आया है। गाने वाने लगाओ यार, आजकल मैं लूप पे सुन रहा हूँ ये वाला गाना, सीधे पहाड़ से, सीधे पहाड़ से, क्योंकि हम सभी सीधे पहाड़ से ही है, सीधे पहाड़ से। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सीट बेल्ट, ये वाला गाना बहुत फेमस हो रहा है, कॉपीराइट ना आ जाए। डालूंगा ही नहीं आएगा तो। गाइस हमारा प्लान तो पता नहीं क्या क्या नहीं था, पूरी फैमिली के साथ में कहाँ कहाँ जाने का। अगर अभी लॉकडाउन ना होता ना, तो अभी हम उत्तराखंड में होते पूरी फैमिली के साथ में, और ये भी होता, बट सारा चौपट हो चुका है, इसीलिए हम अपनी सिटी में ही घूम रहे हैं। क्या कहाँ से पीछा कर रहे हो, अभी एकदम से लग जाती तुमको? अभी मैंने एकदम स्लो की ना, एकदम से साइकिल पे ऐसे निकले, मैंने एकदम से ब्रेक मारे, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं,
इस तरह का काम मत किया करो यार, सिर खाते बजते डरावन मुंडे, मुझे नहीं आता भाई अपने सिर खाते बजते डरावन मुंडे। मैं तो गाऊंगा भाई, मेरी मर्जी, मेरी जबान, मेरा गाना, सिर खाते बजते डरावन मुंडे। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे सर के पास, लकी सर के पास, जिनको आप जानते हो कि अगर आपने हमारे ओल्ड व्लॉग देखे हैं तो स्ट्रगल टाइम में वो हमारे साथ में ही थे, उन्हीं गाड़ी में हम लेके जाते थे ओरियो को, और कुछ भी काम हो तो बाइक लेने गए थे तब भी उनकी गाड़ी में ही गए थे। तो आज हमने भी गाड़ी ले ली है, तो उनको हम आज अपनी गाड़ी में घुमाएंगे। ओरियो की जो फर्स्ट वैक्सीनेशन थी, ओरियो की तबियत खराब हुई थी तब उनकी गाड़ी तो लेके थे, तो वो हमेशा हमारी फुल हेल्प करते थे क्योंकि हमारे पास तो था नहीं गाड़ी वगैरह कुछ। देख लो हम कहाँ पे घूम रहे हैं, बिल्कुल आस पास खेत ही खेत हैं। कहीं बोलो कि भीड़ में घूम रहे हो तुम, भीड़ में नहीं घूम रहे हम। नमस्ते सर। नमस्ते, आ गया हो यार आप, अब हमारे सर हो। तो सर आते ही ड्राइविंग पे बैठ गया। तो सर पार्टी दे रहे हो, यूसी वो तो रेडी होगा पार्टी के लिए। सर को पार्टी तूने देनी चाहिए। नहीं सर के आशीर्वाद से हम इतने आगे बढ़े तो सर को देनी चाहिए ना। तो अभी हम आए हैं द रॉयल विंग्स, क्या करने के लिए? कोल्ड कॉफी पीने के लिए, यूज़ की फेवरेट। अरे ओरियो को तो अलाउ ही नहीं करेंगे, एक जना ओरियो को पकड़ लेगा। अरे ओरियो को तो अलाउ नहीं करेंगे। मिल्क शेक, इनका मिल्क शेक, हमारी इसकी आइसक्रीम और हमारा कोल्ड कॉफी, ठीक है। पानी पुनी नहीं। पहले हम सोचते थे अंदर जाएं ना जाएं, ओरियो को अलाउ नहीं करेंगे, हमको पीनी थी कोल्ड कॉफी, ठीक है। तो अंदर से वो खुद ही निकल गया, हमारे सब्सक्राइबर थे ना, तो हमने उनको ऑर्डर कर दिया, वो बाहर ही लेके आ रहे हैं हमारे लिए कोल्ड कॉफी आइसक्रीम। बैठेंगे नहीं, खड़े खड़े पी लेंगे। पीछे सीन बता क्या हुआ था अभी, कितना मतलब ऑकवर्ड फीलिंग थी अभी। और ओरियो ने क्या किया भाई, न्याय का लकी सर इसको अंदर लेके आए। अंदर नहीं, यहाँ पे घास में। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कोल्ड कॉफी का बाहर ही। पीयूषी अपने को 2 दिन बाद फिर आना पड़ेगा यहाँ पे फैमिली के साथ, क्योंकि 4 मिलियन होने वाले हैं। 4 मिलियन नहीं हो रहे, 4 मिलियन हो रहे। हाँ भाई, तो अपनी कोल्ड कॉफी तो आ गई है। थैंक यू भैया, ये भैया हमारे सब्सक्राइबर थे इसलिए। चलो ठीक है भैया, थैंक यू हमारे लिए आने के लिए बाहर ही, अच्छा लगा। अभी जल्दी आएंगे, 4 मिलियन की पार्टी करनी है। चले फिर सर। बाकी भाई सपोर्ट करो, सौरभ भाई बहुत अच्छा व्लॉग बनाते हैं। हमारे पहाड़ी लोग हैं, हमारे पहाड़ी, हमारे पहाड़ से ही है, सीधे पहाड़ से। तो अभी हमने कोल्ड कॉफी तो पी ली और अंधेरा हो चुका है, तो अब जा रहे हैं घर पे। तो अभी घर पे आ चुके हैं, आज आपने देखा काफी सही पोपट हुआ है और ही मस्त काम किया ना। पर चलो जो भी है, हम साथ में इसको लेके निकल देते हैं, इसको अकेले छोड़ा ही जाता घर में। मम्मी सत्संग में गई थी, पापा जी कुछ काम कर रहे थे, तो हम साथ में ले ही जाते हैं इसको भी। बट थोड़ी अगर कहीं पे रुकते हैं ना तो उसमें दिक्कत आती है, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में, बट वो भी चलो कोई बात नहीं। हमने बाहर खड़े होकर कोल्ड कॉफी पी ली थी, ये ना मतलब एक बिल्कुल मेंबर की तरह हो गया है, मतलब हमेशा साथ में ही रहता है हमारे, अकेले तो कभी रहता ही नहीं है। अभी मैं रूम से बाहर चला जाऊंगा ना तो भौंकने लग जाएगा, मुझे भी बाहर लेके जाओ। तो मेरी लाइफ बस इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और यो पूरी फैमिली और आर्ट जो कि आप देखते हो व्लॉग में, ट्रैवल करते हैं तो फैमिली के साथ में, जो कि आई थिंक आप लोगों को अच्छा भी लगता है। तो बस फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो मैं तुमको एक चुटकुला सुनाता हूँ। दो सुनाना है? एक चुटकुला सुनाता हूँ, चुटकुला चुटकुला सुना दिया बस। चुटकुला वाह भाई, पहली बात देखो चुटकुले का मकसद क्या होता है, दूसरे बंदे को हंसाना, ठीक है? ठीक है, एक आदमी था फिर नो चल रहा था, आदमी तो चले गई थोड़ी। वाह क्या चुटकुला था, खुद ही हंसे जा रहे हैं।